इस प्लांट को तो पहचानते ही होंगे, ये जेड प्लांट है और आज के डेट में लगभग लोग इसे अपने घर में रखते ही हैं टेबल टॉप्स के लिए। और ये शेड में भी अच्छा चलता है और सनलाइट में भी अच्छा चलता है, थोड़ा इसका देखभाल करना होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप देखभाल कैसे करें ताकि ये ज़्यादा हरा भरा भी हो। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसे आप मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे। ये देखिए मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो ये मैं बताऊंगा। प्लस इसका पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करेंगे और टेक केयर कैसे करेंगे। देखिए ज़रूरी बातें ये है कि बार बार नया पौधा खरीदना ये किसी भी पसंद नहीं है। सबसे अच्छा तो ये होता है कि एक बार आपने पौधा खरीद लिया और उस पौधे को मल्टीप्लाई करना सीख लें। जैसे ये पौधे को अगर ऑनलाइन मंगाएंगे तो 300 के करीब में आता है, 350-400 के करीब में आता है। और अगर मल्टीप्लाई करना आप सीख लेंगे तो आप ये पौधा 2-3 महीने के अंदर सिमिलरी साइज का बना सकते हैं। तो मैं आपको जो दिखाऊंगा ये दिखाऊंगा कि आप इसे तैयार कैसे करेंगे और साथ में आप 1 महीने के बाद कैसा लगेगा, 15 दिन के बाद कैसा लगेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पहले मैं शुरुआत करता हूँ। एक स्टरलाइट किया हुआ ब्लेड लूँगा और उस पर इसके एक कटिंग लगाऊंगा। तो कैसे करते हैं आइए शुरू करते हैं। ये स्टरलाइज किया हुआ चाकू है, आप देख रहे हैं चाकू है। इससे शार्प कट लगता है। शार्प कट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि घर के अगर किचन वाले चाकू से आप इस्तेमाल करेंगे तो शार्प कट नहीं आएगा। शार्प कट नहीं आएगा तो एक तो रूट्स आने में प्रॉब्लम होगी और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्योंकि ये इसको क्रश कर देता है। शार्प कट नहीं लेंगे तो क्रश कर देता है। जैसे मैं दिखाता हूँ एक शार्प कट किसको बोलते हैं, ये देखिए शार्प कट, ये बिल्कुल शार्प कट है। और मोटे चाकू से करेंगे ना तो उसको क्रश कर देगा। तो मुझे क्या करनी है, इसके 2-3 लीव्स यहाँ से हटा देनी है। ये लीव्स क्यों हटा रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये लीव्स को यहाँ हटाना इसलिए भी ज़रूरी है, जब इससे की कटिंग लगाएंगे तो ये जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स यहाँ से आएंगे या यहाँ से आएंगे, मतलब लीव्स जहाँ पे होते हैं रूट्स वहीं से आएंगे। तो हमें कटिंग में ध्यान रखना है कि ये दो जो दिख रही है आपको ये दोनों सॉइल के अंदर जाए। तो मैंने कटिंग तो तैयार कर लिया है, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं एक रूटिंग पाउडर इसमें लगाऊंगा, वो मैं दिखाता हूँ कि कैसे लगाएंगे। ये रूटिंग पाउडर है, ये संसार ग्रीन का ही है, अमेज़न वगैरह पे मिल जाएगा आपको, काफ़ी पॉपुलर भी है और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है वहाँ पे अमेज़न पे। तो इसे आप किसी बाउल में निकाल लें, जैसे मैंने पहले से निकाल के रखा है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसे निकाल लेता हूँ थोड़ा और, ये मैंने निकाल लिया है। और इस कटिंग को फ्रेश कटिंग है, पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसमें डिप करें, डायरेक्ट डिप करें और फिर से 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। 5 से 10 मिनट इस कटिंग को आपने छोड़ देना है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक और कटिंग तैयार करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। एक कटिंग और मैं ले रहा हूँ इससे और फिर इसके लीव्स को हटा देता हूँ यहाँ से। सेम है इसके जो दो ये डंड पत्तियाँ मैंने हटाया है, ये रूट्स के इसे यहाँ से रूट्स आएंगे तो इसे सॉइल के अंदर डालना है। अब इसे मैं फिर से डुबा देता हूँ, पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कटिंग को यूज़ करें। देखिए वाइट पाउडर है, डायरेक्ट लगा हुआ है, पानी में इसे डिप करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी देर तक इसे छोड़ देना है ताकि पाउडर जो वहाँ पर लिक्विड है उसे सक कर ले और टिक जाए वहाँ पर। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तब तक मैं चलिए आपको बताता हूँ कि इसका पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करें। आइए अब इसका पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये कटिंग हमारा दो दो तैयार पड़ा है, इसे लगाना है तो पॉटिंग मिक्स मुझे चाहिए। तो ये एक मैंने खाली पॉट लिया है, प्लास्टिक का पॉट है, इसमें तैयार होगा तो फ़ायदा क्या है ना, फिर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे हम रख सकते हैं टेबल पर या कहीं पर भी। इसमें होल्स नहीं है तो वाटरिंग कम करनी होगी, है ना, नहीं तो अगर वाटरिंग ज़्यादा करनी है तो होल करना होगा, फिर इसके नीचे एक बेस देना होगा आपको। तो मैंने क्या किया, होल नहीं रखा है, वाटरिंग का ध्यान रखेंगे क्योंकि घर के अंदर रखना है तो वाटरिंग कम करेंगे। तो आइए तैयार करते हैं इसका पॉटिंग मिक्स। देखिए पौधे और बच्चों में ज़्यादा फर्क नहीं है, आपको बस उन्हें ट्रेन करना होता है, जो उन्हें चाहिए वो देना होता है। तो जैसे हर एक पौधे की अलग रिक्वायरमेंट होती है, वैसे इसका रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें थोड़ा सा सॉइल ज़्यादा रहता है, सॉइल ज़्यादा डालना है। और जैसे ये सॉइल मैंने अभी डाला आपने देखा, और ये है गोबर आप यूज़ करें, सड़ा हुआ गोबर या फिर बर्मी कंपोस्ट या सिटी कंपोस्ट, कुछ भी आपको मिलता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये 20% रखें, ज़्यादा ना डालें, इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और 30% के आसपास में रेत डालें। ये रेत कहीं भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। घर बनाने में इसी रेत का इस्तेमाल होता है, इसे आप मिक्स कर लें। तो मैंने रेशियो आपको क्या बताया, मैंने बताया 50% के आसपास सॉइल लेनी है, 30% के आसपास में ये ले लें मैन्योर, और 20% के आसपास में रेत। सबको आराम से मिक्स कर लें। ज़्यादा पौधा लगाना है तो ज़मीन में रख के मिक्स कर सकते हैं, ये बताने के लिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। और एक पौधे लगा के भी दिखाऊंगा, और ये भी दिखाऊंगा जो पौधे पहले से लगे पड़े हैं उसमें रूट्स कैसे आ रहे हैं कटिंग्स में, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें पॉटिंग सॉइल में डाल दे रहा हूँ, पूरे भरने की जरूरत नहीं है, हाफ फिल करें, क्योंकि जब पौधे बड़े होने लगेंगे तो बाकी पॉटिंग सॉइल आप उसके बाद डालें। क्योंकि ये लोग गलती कर जाते हैं, पहले ही पॉटिंग सॉइल ऊपर तक भर देते हैं, बाद में पौधे को ग्रोथ करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने हाफ फिल किया इसे, और बाकी जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं पॉटिंग सॉइल डालूंगा। इसे प्रेस कर लें बढ़िया से, पहले ही प्रेस आपने कर लिया, फिर एक फिंगर डालें। ये देखिए मैंने फिंगर डाला, दिखाई पड़ रहा है, फिंगर डाला, और इसमें ये कट मैंने लगा दिया, दो कट है, मैंने दोनों को लगा दिया और प्रेस कर दिया। सॉइल आपने देखा आधे से भी कम मैंने डाला है, जब ये ग्रो थोड़ा करेगा तो फिर सॉइल में इसे फिल करूंगा। शुरू में ही आप पूरा सॉइल फिल ना करें। अब पानी बिल्कुल हल्का डालना है, बिल्कुल हल्का, क्योंकि इसमें होल नहीं है तो बिल्कुल हल्का डाल रहे हैं। और आप चाहे तो होल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसलिए तैयार कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्ट मैं इसे रखूंगा किसी टेबल पे, और इसके नीचे मैं कोई तस्तरी रखना नहीं चाह रहा पानी स्टोर करने के लिए। तो पानी का थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी ना हो, ओवर वाटरिंग ना करें इसमें। तो ये हमारा कटिंग तैयार है। अब मैं दिखाता हूँ कि जो कटिंग हमने पहले तैयार किया था उसमें रूट्स आए हैं या ना आए हैं। ये तो पौधे मैंने पहले लगाया था, ये करीब 20 दिन पहले का पौधा है। कटिंग का साइज सेम था जो इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन ये बाहर निकल गया है, थोड़ा सा सॉइल इसमें फिल किया गया है। और ये कटिंग अभी 10 दिन पहले का है, ये आप देख रहे हैं 10 दिन पहले का सेम साइज है, और इसमें भी रूट्स आया होगा। तो मैं निकाल के देखता हूँ कि क्या हुआ। ये 10 दिन पहले का है और ये साइज 15 दिन या 17 दिन ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ये मैंने पहले से तैयार कर रखा था ताकि मैं रूट को टेस्ट कर पाऊँ रूट है कि नहीं। तो मैं दिखाता हूँ आपको रूट है कि नहीं। ये जो है, ये वाला जो है, ये 10-15 दिन पहले का है, तो मैं इसे निकाल के देखता हूँ रूट है या नहीं है। देखिए बहुत बारीक सी रूट निकली हुई है, बहुत बारीक सी है, मैं धो के दिखाता हूँ इसे। बहुत बारीक सी रूट निकली हुई है, 10 डेज हुआ है, मतलब पौधा हेल्दी है। अगर ये पौधा ख़राब हुआ होता ना तो यहाँ से गल चुका होता, लेकिन ये रूट लग चुका है। पौधे देख के भी लग रहा है कि हेल्दी है, और यहाँ छोटे छोटे रूट्स आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे रूट्स हैं। ये रूट्स आ गया है इसमें, मतलब ये कटिंग तैयार है, ये आगे और बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा होगा। अब ये मैं दिखाता हूँ जो पहले का है, जो करीब 17 दिनों का है। इसमें देखिए रूट्स काफ़ी बड़े बड़े आ गए हैं। इसको मैं पानी से धो के क्लियर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल क्लियर रूट्स आए हुए हैं, देखिए बिल्कुल क्लियर रूट्स हैं, बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी सारे ये वही रूट्स लंबे हो गए हैं। ये पौधा पूरी तरह से लग चुका है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो एक बार अगर पौधे खरीदते हैं तो ये सालों साल चलेगा, मल्टीप्लाई करते रहें, दोस्तों को भी बांटें। और देखिए पौधा लगाने का मतलब ये सिर्फ नहीं होता है कि आप खूबसूरती के लिए लगाएं, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, इससे ऑक्सीजन भी तैयार होता है। तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रखें, और ऐसे पौधे को रखें जिसका मेंटेनेंस करना थोड़ा आसान हो। जैसे ये पौधा जो है हमारा, इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, देखने में खूबसूरत होता है, और वीक में एक दिन भी पानी देंगे तो चलेगा। और डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रख रहे हैं तो फिर एक दिन अल्टरनेट डे करके आप दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, खिड़की वगैरह पे रखें जहाँ एक दो घंटे धूप लगती हो। और इसे बड़े गमले में भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। काफ़ी खूबसूरत पौधा है, और लगा के देखें आप इसे। मैंने बहुत सही तरीके से आपको समझाया है। ज़्यादा पौधे तैयार हो तो आप पड़ोसियों में भी बांटें, दोस्तों में भी बांटें। धन्यवाद।